हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिकास किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ मटन की एक लाजवाब रेसिपी, शाही मटन कोरमा। इसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मटन ले लिया है। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड करी हूँ, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 3 टीस्पून धनिया पाउडर। अभी मैंने यहाँ पे 200 ग्राम दही ले लिया है, दही ऐड करी हूँ लास्ट में। अभी मैं इन सारे चीजों के साथ मटन को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने मटन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। ढक के 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। जितना ज्यादा टाइम हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे, उतना ही मटन हमारा सॉफ्ट बनेगा और खाने में भी टेस्टी बनेगा। अभी मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुके हैं। अभी मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज प्याज को स्लाइस में कट के रखा है, वो ऐड करी हूँ। अभी हमें प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेना होगा। ये देखिए, प्याज हमारा गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। अभी मैं इस फ्राई किया हुआ प्याज को थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। प्याज हमारा थोड़ा ठंडा हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे एक मिक्सिंग जार ले लिया है। मिक्सिंग जार में मैं प्याज को ऐड करी हूँ। अभी मैंने यहाँ पे 8 से 10 आलमंड ले लिया है। आलमंड को मैंने भिगो के रखा था आधा घंटे पहले। मैं आलमंड को डाल रही हूँ इसमें। अभी मैं इसका एक पेस्ट बना लूंगी। हमें एकदम फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, दरदरा पीसना है हमें इसको। ये देखिए, मैंने पीस लिया है। यहाँ पे मैंने एकदम फाइन पेस्ट नहीं किया है, तो मैं चम्मच से दिखा देती हूँ इस टाइप का पेस्ट क्या है। अभी मैंने यहाँ पे जो अनियन को फ्राई करके रखा था, उसी ऑयल में मैं एक तेज पत्ता ऐड करी हूँ, 2 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची लौंग और जावित्री के पत्ते। मैंने होल स्पाइसेस दे दिया है इसमें। अभी 1 घंटे हो चुके हैं। मैंने जो मैरिनेट करके रखा था मटन को, उसको ऐड कर देती हूँ इसमें। अभी आप गैस का फ्लेम मीडियम में रख के मटन को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पांच मिनट के लिए आप मटन को चला लीजिए। 5 मिनट हो चुके हैं। अभी मैंने जो फ्राई करके अनियन का पेस्ट बना के रखा था, वो ऐड करिए इसमें। करके अच्छे से मिला लेती हूँ। मैंने अच्छे से मिला लिया है। अभी आप गैस का फ्लेम सिम में रख के ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए मटन को अच्छे से कुक होने दीजिए। आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं इस मटन को।
15 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं ढक्कन को हटा लेती हूँ। ये देखिए मटन से हमारा काफी ऑयल निकल चुके हैं और अच्छे से कुक भी हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये देखिए अभी मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिला लेती हूँ। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, करके मिला लेती हूँ अच्छे से। इसी टाइम पे आप नमक भी ऐड कर सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं, आपको अगर कम लगे तो। अभी मैं गैस का फ्लेम लो टू मीडियम में रख के ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए कुक होने देती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं ढक्कन को हटा लेती हूँ। ये देखिए हमारा शाही मटन कोरमा बनके एकदम रेडी है, इतना बढ़िया लग रहा है ना देखने में। इसको आप गरम गरम पुलाव के साथ खाइए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, गैस को बंद कर देती हूँ। मैंने मटन को सर्व कर लिया है, तो आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए आज के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।